बड़ा आश्चर्य होता है, जो आरोप लगे हैं वो एक भाजपा बूथ अध्यक्ष की बेटी ने लगाए हैं, बाकायदा उसकी FIR हुई है। FIR जब ऑनलाइन हुई तो FIR वो सार्वजनिक हुई और सबने देखी है। इस तरह से कहना कि ये सारा किया धरा कांग्रेस पार्टी का या ऑपोजिशन का है, तो मुझे लगता कि हंसराज अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जग जाहिर है, ये सब स्पष्ट है कि सब आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाजपा के कार्यकर्ताओं, आपके परिवार के द्वारा आपके ऊपर ये आरोप लगा है। अगर आपने मानहानि का केस करना भी है तो ओपोजिशन को कटघरे में खड़ा करना मुझे नहीं लगता कि आपकी सच में मनोदशा सही होगी। अगर मानहानि का केस करना है तो उस परिवार के ऊपर करिए, उस लड़की के ऊपर करिए। जनता सच जानना चाहती है। हम हमेशा, लड़की चाहे कोई भी होती, हम बहन के लिए हमेशा लड़ेंगे। पीछे भी हम अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं और आगे भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम तो चाहते हैं और हमारा प्रयास भी रहेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला SIT की एक टीम गठित होनी चाहिए और हाई कोर्ट के जज के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बात करते हैं वोट बैंक की। वोट बैंक का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, सबको पता है गलत हुआ है, बेटी के साथ अन्याय हुआ है। हम हमेशा अन्याय के खिलाफ